बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अम्बरकेशन। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप के खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुशियां दे, अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रहना नसीब करे और आप लोगों के चेहरों पर ऐसे ही मुस्कुराहट बरकरार रखे। आमीन ज़रूर कहा करें। और अल्लाह पाक आप लोगों को तमाम मुश्किलात से बचाए और आप लोगों की तमाम मुश्किलात को अल्लाह पाक अपनी बारगाह में, अल्लाह पाक अपनी रहमत के सदके से हल करे। मेरी आप सब लोगों के लिए यही दुआ है, आप लोग भी मेरे लिए यही दुआ करिएगा और आमीन ज़रूर कह दीजिएगा, सलाम का जवाब भी दे दीजिएगा। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए बहुत ही प्यारे से रेड कलर के लहंगा लेके आई हूँ। इंडियन में है या फिर पाकिस्तानी, दोनों ही लहंगा पहनती हैं और जो लहंगा है वो आप लोगों को बहुत ही ब्यूटीफुल नज़र आएंगे। मैरून में भी, रेड में भी, डार्क रेड, गाजरी रेड, इस तरह से आप लोगों को नज़र आएंगे। ये प्रीति जेंटा का आप लोग लहंगा देख रहे हैं, कितना प्यारा सा एम्ब्रॉयडर्ड है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को जो भी लहंगा डिज़ाइन नज़र आएंगे बहुत ही प्यारे प्यारे से होंगे और जो लहंगा आप लोगों को पसंद आए उसे ट्राई भी करिएगा ज़रूर। और आप लोग देख सकते हैं कि ये जो रेड लहंगा है ये थोड़ा मैरिड गर्ल्स के कैरी करने वाला होता है। आप लोग तो यही सोचेंगे कि ये मैरिड गर्ल्स कैरी करती हैं तो हम नहीं कर सकते। भाई, हर चीज़ आप लोग कैरी कर सकते हैं, बस डिफरेंट मैनर्स में, डिफरेंट टाइप्स में थोड़ी एडिंग करके, थोड़ी एडिंग दे के इस तरह से यूज़ करते हैं। हर आइडिया को थोड़ा सा अपना बना लेते हैं, मतलब अपने से कुछ ऐड करते हैं तो जाके खूबसूरत सी चीज़ बनती है। अगर आप देखा दिखाया फॉलो कर लोगे सेम टू सेम तो उसमें आप लोगों की अलग लुक आएगी। अगर थोड़ा सा मिक्सअप करके, एक दो वीडियोस देख के और उसमें आप लोग कलर कॉम्बिनेशन देख के परफेक्टली चूज़ करोगे तो आप लोगों को बहुत ही आसानी होगी ड्रेसेस देने में, ड्रेसेस बनवाने में, और आप लोगों के लिए कोई भी मुश्किल नहीं होगी। तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि ये जो रेड है इसका कंट्रास्ट गोल्डन के साथ, स्किन के साथ, ब्लैक के साथ, वाइट के साथ, पैरेट के साथ और बहुत ही ज़बरदस्त से लाइट लाइट कलर्स जो होते हैं उनके साथ भी इनका अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, अच्छा इम्प्रेशन होता है। तो आप लोग ऐसे कलर्स चूज़ करें जो कि अनमैरिड गर्ल्स हैं, मैं गर्ल्स की बात कर रही हूँ, कॉलेज गर्ल्स लगा लो या अनमैरिड लगा लो, 18 तक 19 तक जो गर्ल होती हैं इन एज में उन्हें ज़्यादा होता है कि हम लोग मैरिड नहीं हल्के हल्के से कलर्स चूज़ करें। तो उन्हें बोल रही हूँ कि आप लोग अनमैसी चीज़, मतलब रेड लहंगा बनवा लिया, कुर्ती गोल्डन में बनवा ली, दुपट्टा जो है वो आप लोग किसी और कलर में बनवा लें, पैरेट में बनवा लिया, किसी भी कलर में बनवा लिया, अगर आप लोग इस टाइप से कंट्रास्ट करोगे ना तो यकीन करो बहुत ही खूबसूरत लगोगे। ज़रूर कंट्रास्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। अब मुझे दीजिएगा इजाज़त, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।